नमस्ते सभी को। हिंदी में सत्र शुरू कर लेते हैं। तो अभी हम अभ्यास दो कर रहे हैं और इस तरह से अभी हम अभ्यास दो के स्टेप सिक्स को भी आज कंक्लूड करके स्टेप सेवन पे जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने 8 नवंबर को ये बैच शुरू किया था, कुछ मौलिक मुद्दों पे चर्चा करके फिर अभ्यास एक शुरू किया, उसके बाद अभ्यास दो शुरू किया। स्टेप सेवन पे जो कुछ हम काम करने वाले हैं वो एक तरह से अभ्यास तीन की तैयारी है, परंतु उसके लिए जो अपने को अभ्यास एक और अभ्यास दो में और बारीकी लानी है और प्रगाढ़ता लानी है, वो कर पाएंगे तो हम आगे और उस पर ठीक से ध्यान दे पाएंगे, अभ्यास तीन के लिए तैयार हो पाएंगे। अभ्यास एक में हमने मैं द्वारा मैं को देखने समझने का काम किया, अभ्यास दो में मैं द्वारा शरीर को देखने का काम कर रहे हैं। इसके स्टेप वन पे हमने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया और दिखता है कि कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है, सिर्फ सूचना का आदान प्रदान है। स्टेप थ्री में हमने देखा कि जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय मैं का है, शरीर का नहीं, किसी अन्य बाहरी वस्तु का नहीं। स्टेप फोर में हमने संवेदना को देखा और बारीकी से, तो दिखता है कि संवेदना मुझसे बाहर है, मुझसे दूरी पर है, ना मैं संवेदना हूँ ना मैं संवेदना में हूँ, बल्कि संवेदना और मेरे बीच दूरी है। और इसको देखने क्रम में ये भी स्पष्ट होता है कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है। स्टेप फाइव में फिर हमने संवेदना के भिन्न भिन्न स्रोतों को देखा, तो दिखता है कि तीन प्रकार से संवेदनाएं मुझे प्राप्त होती हैं, एक तो दूसरे के व्यवहार से, दूसरा शरीर के बाहर जो वातावरण है उसके भौतिक रासायनिक घटनाओं की सूचना मुझे प्राप्त होती है, और तीसरा शरीर में होने वाली घटनाओं की मुझे सूचना प्राप्त होती है। और मैं इन तीनों संवेदनाओं को पढ़ता हूँ, उसमें मेरा निर्णय शामिल होता है, समय समय पर पढ़ता हूँ, आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ, और फिर पढ़ने के बाद मैं उस संवेदना को अर्थ देता हूँ, और जो मैं अर्थ देता हूँ अपने संस्कारों से जोड़कर मैं देता हूँ। जो भी मेरी कल्पनाशीलता की उस क्षण स्थिति होती है उसके साथ में जोड़कर उसको अर्थ देता हूँ। फिर जैसा मैं अर्थ देता हूँ अगर वो मान्यता पर आधारित है तो एक प्रकार से मैं उसको अर्थ देता हूँ, समझ पर आधारित है संस्कार मेरा तो अलग तरह से अर्थ देता हूँ। तो अपने संस्कारों के साथ अर्थ देते हुए फिर मैं अपने आप में एक निर्णय लेता हूँ कि शरीर तक संकेत देना है या नहीं देना है। तो अगर मैं शरीर को संकेत देने का निर्णय लेता हूँ तो देता हूँ, वैसा निर्वाह होता है। शरीर को संकेत देने का निर्णय नहीं लेता हूँ तो वैसा निर्वाह होता है। इस बात को हम लोग बारीकी से स्टेप फाइव में देखते रहे। अब स्टेप सिक्स में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार मैं प्रतिक्रिया करता हूँ या जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ। तो यदि मेरे द्वारा दिया गया अर्थ समझ पर आधारित है तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, यदि मान्यता पर आधारित है तो प्रतिक्रिया करता हूँ। इसी को हम अभी और फैला के देख रहे हैं, है ना, कि मेरा जिम्मेदारी पूर्वक जीना किस प्रकार होता है, प्रतिक्रिया पूर्वक जीना किस प्रकार होता है। तो 6A में प्रतिक्रिया पूर्वक जीने को हमने देखा कि कैसे कैसे प्रतिक्रिया तैयार होती है। 6B में हम ये देख रहे हैं कि कैसे समझ आधारित संस्कार से जिम्मेदारी पूर्वक जीना होता है। इसको हम लोगों ने कल एक अभ्यास के रूप में भी लिया था, असाइनमेंट के रूप में लिया था, और जिम्मेदारी पूर्वक जीने को और फैलाकर अपने आप में देखने का काम करना था। तो जिम्मेदारी पूर्वक जीने का मतलब पूरे का संपूर्णता में देखें, पूरी मानवीय परंपरा के प्रति जिम्मेदार होना है। तो मैं किसी भी निर्णय को जब स्वयं में लेता हूँ, शरीर तक पहुंचाता हूँ, तो मेरी दृष्टि सिर्फ उस घटना तक नहीं है परंतु मैं मानवीय परंपरा तक उसको देख पाता हूँ, ठीक है ना, ये जिम्मेदारी पूर्वक जीना हुआ। और ये तभी हो पाता है पूर्णता में जब मेरे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत होती है। उसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ, अपनी सह स्वीकृति के आधार पर देखकर मैं अपनी जिम्मेदारी को तय करता रहता हूँ। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं।
कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से कोई प्रश्न निकल कर आया हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। जी भैया, इसमें ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन करते हैं इसको लेकर कि मैं अपने स्वभाव में बने रहते हुए स्वयं में सुखी रहता हूँ। यदि यह मेरा संस्कार समय आधारित है और मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। इसमें भी हम 10 मिनट का समय लगाते हैं, उसके बाद फिर और आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग 10 मिनट अभ्यास किए स्वयं में जिम्मेदारी के भाव को देखते हुए कि बाहर से संवेदना आ रही है, उसको पढ़ते हुए मैं किस प्रकार जिम्मेदारी पूर्वक उसको अर्थ देता हूँ, जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करता हूँ, उस स्थिति परिस्थिति में मेरी जिम्मेदारी क्या है, किस प्रकार है। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। कल संडे का दिन था, हमें ज्यादा अवसर मिला होगा अपने लिए समय लगाने का। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे अंदर हर क्षण जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह हो, हमारा भाव विचार हर क्षण जिम्मेदारी पूर्वक हो, जो हम अर्थ दे रहे हैं हर क्षण जिम्मेदारी पूर्वक हो, प्रतिक्रिया पूर्वक ना हो, इसको सुनिश्चित करने की बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अभ्यास एक में हम प्रयास करते रहे और अब जो अभ्यास दो में प्रयास कर रहे हैं, ना, ये दोनों कनेक्ट होते हैं। तो हम अभ्यास एक में भी स्टेप 6 और 7 में इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि मेरा हर भाव विचार सही समझ पे आधारित हो, और अभी अभ्यास दो में भी यह प्रयास कर रहे हैं स्टेप 6 में कि मेरा हर प्रयास समझ पे आधारित हो। तो अपनी अनुक्रिया यानी जिम्मेदारी पूर्वक जो निर्वाह है या प्रतिक्रिया को देखने की बात है, तो अपने अभिव्यक्ति को देखें। जिस तरह से आप लंबे वाक्य बोलते हैं, छोटे छोटे अभिव्यक्ति देते हैं, हाथ या शरीर हिलाकर बात करते हैं, चेहरे पे जो अभिव्यक्ति आती है इत्यादि, जैसे कि आप कोई दूसरे व्यक्ति हैं, तो हम अपने एक्सप्रेशन को देख सकते हैं एज इफ हम अपने आप को बाहर से देख रहे हैं। तो किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, आपके हाथ पांव हिलते हैं, जो आपके अंदर घबराहट की फीलिंग होती है तो आपका शरीर में किस तरह की हरकतें होती हैं, विश्वास का भाव होता है तो किस तरह की हरकतें होती हैं, संबंध का भाव होता है तो किस तरह की हरकतें होती हैं, विरोध का भाव होता है तो किस तरह की हरकतें होती हैं। तो स्टेप 5 में हम स्वयं में जो कुछ चल रहा है उसको देख रहे थे, स्टेप 6 में अब हम अभिव्यक्ति वाले भाग को भी देख रहे हैं। जो स्वयं में चल रहा है उसको तो देखना ही है, अभिव्यक्ति वाले भाग को भी देखना है। देखें कि आप अभिव्यक्त होते समय सुखी हैं या नहीं, देखें कि आप किस तरह से अनुक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, किसी दूसरे के व्यवहार के प्रति, बाहर किसी भौतिक रासायनिक घटना के प्रति, शरीर में होने वाली किसी घटना के प्रति, और देखें कि ऊपर लिखी घटनाओं में शरीर से मिलने वाली संवेदना को आपने कैसे अर्थ दिया है, देखें कि इनसे आपका संस्कार कैसे जुड़ा है। ये बात हम लोग करते रहे हैं। स्टेप 5 से ही हमने अपने संस्कार को देखना शुरू किया था और उसी काम को और फैलाकर अब करना है। अपने गहरे गहरे संस्कार हैं उसको देखना है, आप कब परेशान होते हैं, किन बातों से परेशान होते हैं, किन बातों से खुश हो जाते हैं। जब परेशान होते हैं तो कैसे अभिव्यक्त होते हैं, जब खुश होते हैं तो कैसे अभिव्यक्त होते हैं, जब आराम में होते हैं तो कैसे अभिव्यक्त होते हैं। तो कभी एक्साइटेड हैं, कभी डिप्रेस्ड हैं, और कभी नेचुरली एक्सेप्टेबल स्टेट में है, आराम में है, तो आपके एक्सप्रेशन कैसा होता है, कौन सी बाहर से सूचनाएं हैं जो आपके अंदर परेशानी को ट्रिगर कर देती हैं, और जब आप परेशान होते हैं तो किस तरह से आपका विचार चलता है, जो विचार चलता है उसके आधार में भाव किस प्रकार रहता है, कैसे आपके भाव बदलते हैं बाहर से आने वाली सूचना से, इन सबको अपने आप में ऑब्जर्व करना है।
ये स्टेप तो ओवर हो जाएगा, परंतु ये काम तो गहरा है, लंबा है, इसको करते रहना है। ये इंश्योर करना कि हमारे अंदर हर क्षण जो भाव विचार हो जिम्मेदारी पूर्वक हो, जो निर्वाह हो जिम्मेदारी पूर्वक हो। आप पाएंगे बहुत सारी घटनाओं में जब आपके अंदर समाधान नहीं होता है तो आप अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, रिएक्शन करते रहते हैं, ठीक है ना, और उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता रहता है। जब आपके अंदर सही भाव होता है तो आपके अंदर दूसरे के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होती है, जिम्मेदारी का भाव होता है, और फिर शरीर से वैसे ही हरकतें होती हैं। तो शरीर एक साधन है, इस साधन से मैं बाहर से सूचनाओं को लेता हूँ, इस साधन से मैं बाहर संकेत देता हूँ। जो सारा सुख दुख है वो मुझ में है, मेरे भाव में है, मेरे विचार में है, और इसमें परिमार्जन हो जाए, प्रतिक्रिया के स्थान पर अनुक्रिया हो जाए, जिम्मेदारी पूर्वक जीना हो। और जब जिम्मेदारी पूर्वक जीने की बात हो रही है तो जिम्मेदारी को समझना हो, और जब जिम्मेदारी को समझने जाते हैं तो दिखता है कि मेरी जिम्मेदारी तो पूरी मानवीय परंपरा तक है। तो मैं अखंड समाज में, सार्वभौम व्यवस्था में किस प्रकार भागीदार हूँ, किस प्रकार मानवीय परंपरा में भागीदार हूँ, इस बात को अपने आप में स्पष्ट करना है। यदि मैं संबंध का निर्वाह कर रहा हूँ तो भी, किसी सुविधा का प्रयोग कर रहा हूँ तो भी, शरीर का ध्यान रख रहा हूँ तो भी, समाज में कोई भागीदारी कर रहा हूँ तो भी, हर अवसर पे अपने आप में देखना है कि यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी क्या होगी। जब आप इसको देखने जाएंगे तो बहुत सारी चीज इसमें कनेक्ट होंगी, खासतौर पर दूसरे व्यक्ति की जो समझ की स्थिति है, तो दूसरे की समझ की स्थिति का सही सही आकलन करना, उस क्रम में अपने समझ को इंश्योर करना ताकि हम सही आकलन कर पाए। क्योंकि तो हम सबके जीने का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो दूसरे का व्यवहार होता है, जिससे हम आराम में रहते हैं या परेशान होते हैं। तो दूसरे के व्यवहार का हम कितना सही सही आकलन कर पाते हैं, कितना जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर पाते हैं, इसको अपने आप में देखना। बढ़िया, तो इतनी बात को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो बताएं, कोई शेयरिंग हो, कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से कुछ आपको ध्यान चला गया हो। कल दिन भर हम में से कितने लोग इस बात पे ध्यान दे पाए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मैं अपनी जिम्मेदारी के भाव को मानवीय परंपरा तक जोड़ के देख पाता हूँ। इसको चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्या हमें अपनी जिम्मेदारी मानवीय परंपरा तक दिखती है। जी नहीं, ऑलवेज तो शायद अवेयर ना हो पाए, परंतु जितनी देर आप ऑब्जर्व कर पाए, पूरे समय अगर ऑब्जर्व कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। विशाल कुमार जी का एक कमेंट आया है, ऑन द होल ड्यूरिंग ऑल ऑफ वर्किंग आवर आई कैन ऑब्जर्व माई सेल्फ फॉर सम टाइम, से 2 आवर्स इन 14 आवर्स ऑन एन एवरेज ओनली। आई स्लीप इन टू इंटरेक्शन विथ अदर्स एट दैट टाइम, द प्रोसेस ऑफ नोटिंग सेंसेशन, नोटिंग संस्कार इज फॉरगॉटन, हाउ टू फिल दिस गैप्स ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए, अगर हाउ टू की बात करें, कैसे करें, तो उसके लिए तो सुबह का अभ्यास हो रहा है, ये तैयारी हमारी जितनी हो जाएगी उतना उतना हम सजग रहेंगे, तो हमारे अंदर अवेयरनेस बना रहेगा कि देखो ये बाहर संवेदना आई और मैंने इसको अर्थ दिया, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे अंदर कोई भाव चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, ठीक, और उससे मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति बनी हुई है, और उससे मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ। नहीं भी दे रहा हूं तो मेरे अंदर कोई कल्पनाशीलता की स्थिति बनी हुई है, इसी बीच बाहर से कोई संकेत आया, किसी की ध्वनि आई, कोई बाहर के वातावरण का प्रभाव बना, शरीर में कोई घटना हुई, फिर मैंने उसको भी अर्थ दिया। इसको क्षण क्षण में देखेंगे तो काफी कुछ इसमें स्पष्टता बनेगी, अपने संस्कारों के बारे में, अपने जीने के बारे में, निभाना नहीं होता। ठीक बात है, तो अभी हम उसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं।
हम सभी अभी को एक्सप्लोरर्स हैं, अपने आप में जांचने और जीने का काम कर रहे हैं। बढ़िया। भैया, हम इस प्रोसेस को जब कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ती है, लेकिन आसपास जो भी लोग हैं, पर्टिकुलरली हम मानव मानव संबंध की बात कर रहे हैं, बाकी शेष प्रकृति जो हैं, बाकी ऑर्डर्स जो हमने पढ़े हैं, उसके साथ भागीदारी के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो आसपास लोग होते हैं और वो शेष प्रकृति या बाकी चीजों के साथ जो भागीदारी है वो नहीं करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो या तो ऐसे लोगों के प्रति एक उपेक्षा का भाव आता है अगर वो दूर के हैं, और करीब हैं तो फिर भी कहीं कहीं समझ बढ़ने के साथ भी रिएक्शंस आती है भैया, और वो रिएक्शंस कई बार इरिटेशन या एंगर में कन्वर्ट हो जाती है, कंटेंट समझने के बावजूद भी इस तरह की घटना हो ही जाती है कभी कभी, तो यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आता भैया, क्योंकि बाकी अगर हम पूरी भागीदारी की बात करते हैं और उसी में अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है उन चीजों को, तो वहां पर प्रतिक्रिया या उपेक्षा दोनों में से एक आता है, लेकिन उनके साथ संबंध निर्वाह में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कहीं कहीं रिएक्शंस आ जाती है। जी, तो वहाँ जिम्मेदारी और स्पष्ट होनी है। ये तो अच्छी बात है कि आप उपेक्षा नहीं कर रहे। तो अगर कोई व्यक्ति कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, कोई अव्यवस्था फैला रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं करना तो ठीक ही है, बट उसको देख कर यदि हम आवेशित हो रहे हैं, प्रतिक्रिया में जा रहे हैं, तो भी ठीक नहीं है। फिर हम वहाँ देखेंगे कि यहाँ जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कैसे होगा। तो एक प्रोएक्टिवली तो अपने को दिखता ही है कि हर मनुष्य के साथ समझ के लिए काम करना जरूरी है, नहीं तो वो अपने आप में कल्पनाशीलता में अशांत है। कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ संकेत देगा शरीर को, कुछ ना कुछ है ना फैलाएगा, जो अंदर है वही फैलाएगा, तो अंदर की चीजें ठीक हो जाए। तो कहीं भी हम रह रहे हैं, वहां पे एक आवश्यकता है कि लोग के अंदर समझ के लिए काम हो, लोग समझ से जुड़े, और ऐसे सत्र आयोजित किया सके, ऐसी चर्चा आयोजित किया सके जिसमें कि लोगों के साथ बैठ के विमर्श हो सके, प्रस्ताव रखे जा सके, उनको जांचा परखा जा सके और मिलकर एक कार्यक्रम बनाया जा सके। क्या पाएंगे, एक थोड़ा सा मोमेंटम बनाना होता है अगर हम बाहर समाज में देखें, खासतौर पर ऐसी चीजों को लेकर, यदि कोई नुकसान कर रहा है किसी है ना प्राकृतिक चीज का, तो एक मोमेंटम बनाना होता है, लोग फिर ध्यान देने लगते हैं उसमें। तो समझ वाले पुट पे अगर हम काम कर ले तो और अच्छा, नहीं भी करें तो भी ऐसे कार्यक्रम बन जाते हैं। लेकिन सामने वाले अगर बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहे, समझना ही नहीं चाहे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ देखिए, वो तो ठीक है, हमारे कहने से कोई व्यक्ति एक दिन में समझ जाएगा ऐसा नहीं है, परंतु फिर ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति अव्यवस्था फैला रहा है, उसको रोकना है, तो जो भी हायर अथॉरिटी है उनसे बात करते हैं, उनसे बात करके हम नियम बनाते हैं, कुछ तरीके निकालते हैं। इरिटेट होना तो कोई समाधान नहीं, ये तो हमको दिखता ही है ना, और हमको ये भी दिखता है कि ऐसा एक व्यक्ति कर रहा है, ऐसा 10 व्यक्ति कर सकते हैं, 100 व्यक्ति कर सकते हैं, या अव्यवस्था भी फैल सकती है, तो समय रहते कोई योजना कार्यक्रम बनाएंगे। और कुछ स्पेसिफिक आप बताएं तो उस पर और डिटेल में बात हो सकती है कि किस तरह की अव्यवस्था कोई फैला रहा है जिससे ये रिएक्शन तैयार हो रहा है। जी कृष्ण जी, थैंक यू भैया। अब एक्चुअली नहीं, हमें किस तरह की अव्यवस्था फैला रहा है कोई व्यक्ति जिससे रिएक्शन हो रहा है, ये मैं पूछ रहा था। जैसे गर्मी हम देखें तो जैसे कोई व्यक्ति पानी को बहुत अनावश्यक खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जैसे दिन में 12-1 बजे 2 बजे धूप आ रही तब भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, या पूरी पूरा जो जीवन है वो कहीं कहीं सेंसेशन बेस्ड है, तो सारी जो अपना पैसा भी है तो वो उन्हीं चीजों में व्यर्थ में जा रहा है, तो ये सारी इस तरह की चीजें, वो अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो उसमें हम कहीं बाहर का कोई सहारा भी नहीं ले सकते हैं किसी तरह का। ठीक बात, तो देखिए इसमें तो उनसे कहना बनता, अभी उस व्यक्ति की प्रायोरिटी नहीं बनी है, अभी उस व्यक्ति की प्रायोरिटी नहीं बनी है कि इन चीजों पर ध्यान दे, तो अपने को दिखता है कि जब तक उसके अंदर प्रायोरिटी नहीं बनी वो ध्यान नहीं देगा, इनफैक्ट इससे और ज्यादा प्रायोरिटी की चीजें हैं उस पर भी ध्यान नहीं है, तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण उस पर ध्यान आप दिलाएंगे तो कम महत्वपूर्ण पे तो अपने आप ध्यान जाता रहेगा। तो अगर वो मान लीजिए ये सब हरकतें ना भी करे, बिजली पानी का अपव्यय ना करे,
परंतु फिर भी जीना तो ठीक उससे होगा नहीं। हमको भी ये दिखे कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो स्वयं में सही भाव सुनिश्चित करना है, वो होगा तो ये सब चीजें नेचुरली फॉलो करेंगी। और यदि परिवार सभा में बैठ के हम बातें कर सकते हैं तो इन पर ध्यान दिला देंगे, उसमें डूज एंड डोंट्स में बात करने के बजाय है ना, इसके बेसिक इश्यूज पे बात करें कि क्यों जरूरी है। आप देखेंगे हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे तर्क होते हैं, आप जब ये मुद्दे उठाएंगे ना तो वो तर्क उठाएंगे, अरे आप इतनी छोटी सी बात करें, वहां देखिए अमेजन फॉरेस्ट में आग लगा दिया, पूरा वायुमंडल खराब कर रहे हैं और आपको इतनी छोटी सी चीज की पड़ी है, तो हर आदमी अपने हिसाब से तर्क देगा। या फिर है ना उलट के भी कह सकता है कि आप भी देखिए ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, यहाँ पे आपका भी मैंने देखा अपव्यय होता है। तो निर्वाह के स्तर पे तो थोड़ी अपने को उदारता रखनी होती है, भाव के स्तर पे सटीकता की जरूरत है। तो भाव के स्तर पे हम काम करें तो निर्वाह में धीरे धीरे सटीकता आने लगेगी, बट यदि सीधे सीधे इन पे बात करेंगे तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो थोड़ी उदारता तो रखनी पड़ेगी अपने को, बट उसके साथ हम देखें कि हम जिन व्यक्तियों से परेशान हो रहे हैं उनके साथ अभी तक हमने समझने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है। अगर वो नहीं बनाया तो ऐसी कठिनाइयां तो बनी ही रहेंगी, देर सवेर आती ही रहेंगी। जी बढ़िया भैया, बहुत ज्यादा उन चीजों में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है ना भैया, तो वो एक्चुअली उनका जो बेस बन गया है हैप्पीनेस का या जो भी, या अपना कंफर्ट जो बन गया है, उसमें डिस्टरबेंस होता है भैया। जब भी हम समझ की बात करते हैं तो उसमें डिस्टरबेंस होता है, तो ऐसी स्थिति आती है कि जैसे कोई सो रहा है और उसको उठना है, हम उसको उठा रहे हैं तो भी उसको लगता है कि ये मेरा नुकसान कर रहा है, जबकि उसको जाना है या कुछ भी करना है। जैसे हम नींद, किसी की नींद में विघ्न डालते हैं तो उसको गुस्सा आता है, ऐसे ही अगर किसी की इस तरह की मूर्छा है पूरी तरह से, वहां हम समझ की बात करते हैं तो उनका और इरिटेशन या गुस्सा ही आता है, और जब उनका इरिटेशन या गुस्सा या वो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने की बात आती है तो हमारे अंदर रिएक्शंस आ जाती है। देखिए अभी भी देखिए हम सब लोग अभी अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने आप में इन्वॉल्व हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अंग्रेजी के सत्र के लिए तो 5:30 बजे से ही बैठे हुए थे, हिंदी के सत्र के लिए 6:30 बजे से बैठे हुए थे। हमको उसकी प्रायोरिटी दिखती है, हम खुद ही सारा योजना कार्यक्रम बनाकर सुबह उठ जाते हैं, इस सत्र में जुड़ जाते हैं, परंतु ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे पास ना हो, इसकी प्रायोरिटी ना हो, और फिर किसी को सुबह जाके उठाइए। अभी हम जो लोग जुड़े हुए उन्हीं में से पाएंगे इरिटेशन आएगा, रिएक्शन आएगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बन गई इसलिए उठ जा रहे हैं, अगले व्यक्ति की प्रायोरिटी नहीं बनी। तो उससे अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हमको भी अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम इस बात से क्यों परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं भैया, मैंने ये उदाहरण के लिए लिया कि जैसे उसको उठना है लेकिन नींद वाले व्यक्ति को उठाते हैं तो उसको दिक्कत होती है, तो उसको इरिटेशन या गुस्सा आता है, तो ऐसे जो पूरी तरह से मूर्छा में है, मतलब वो पूरी तरह से उन चीजों से एडिक्टेड है, जो चीजें स्वयं को नुकसान कर रही है और शेष प्रकृति का भी नुकसान कर रही है, लेकिन उस पे भी अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो वो कहीं कहीं आपके प्रति विरोध में आते हैं। हाँ, तो मैंने आपको कहा ना कि आप दूसरे व्यक्ति में अगर जाकर उसकी गलतियां को गिनाएंगे, उसकी गलतियों को इंगित करेंगे तो विरोध में आएंगे। सही क्या है इसको रख दीजिए, और उससे रिलेवेंट जितने प्रश्न है उसका समाधान दीजिए, तो व्यक्ति खुद ही सही करने लगता है। और यदि हम इरिटेट हो रहे हैं तो हमको अपने संस्कारों में भी देखने की जरूरत है, तो फिर हमारे संस्कारों में भी कोई प्रॉब्लम है, हम इरिटेट क्यों हो रहे हैं। अब तो ये भी दिखाई देगा कि जैसे दूसरा व्यक्ति इरिटेट हो रहा है वैसे हम भी इरिटेट हो रहे हैं, उसके इरिटेशन का कारण एक है, मेरा दूसरा है, परंतु इरिटेशन का संस्कार मुझ में भी है, अगले में भी है कि नहीं। लेकिन भैया फिर इस तरह के लोगों के साथ संबंध का निर्वाह करना बड़ा आसान, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मुश्किल स्वयं में है, अपने आप में। अभी क्या है, हम संबंध को पहचानते भी कई बार शरीर के स्तर पर है ना, या मान्यताओं के स्तर पर है, तो कुछ संबंधों को लेकर हम बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और बाकी संबंधों को हम इग्नोर करने लगते हैं। संबंध का अर्थ जो पहले भी उन्होंने कहा कि संबंध का अर्थ तो समझ के अर्थ में पूरक होना है, तो जो समझने में प्रवृत्त हैं उनके साथ हम समय लगाएंगे, जो समझने में प्रवृत्त नहीं है उनके साथ समय कम लगाएंगे, उनमें प्रवृत्ति को जागृत करेंगे, उनमें समझने की प्रवृत्ति बने, जितना बन जाएगा उसके अनुसार योजना कार्यक्रम बनाएंगे। अभी हमें मान लेते कि घर में जो 4-6 लोग हैं इनको तो सुधार ही देना है, ठीक, जबकि दुनिया भर में देखें तो 7-8 अरब लोग हैं, हमको उनके साथ संबंध क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो जिनको समझने की प्रवृत्ति बन गई उनके साथ ज्यादा समय लगाएंगे, इनके साथ लिमिटेड कार्यक्रम बनाएंगे,
ये तो अपना भी एक संबंध की दृष्टि की बात है कि हम संबंध को अभी कहाँ तक फैला के देख रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं, तो अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो अगर हम दूसरे व्यक्ति से भी कहें तो उनको भी किसी बात से इरिटेशन हो सकता है कि व्यक्ति कहाँ रोज सुबह सुबह मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं 1 घंटा, इनके पास और कोई काम है नहीं, 6:30 साढ़े 7 ये, है ना, ऐसे ही लेक्चर सुनते रहते हैं। अब ऐसे अगला ही होता व्यक्ति है भी वो। देख सकता है। जी हाँ ऐसे ऐसे ही होता है। कल जो घटना घटी उसमें रिएक्शन ये आया था कि आपको तो एडिक्शन हो गया हाँ, तो है। देखिए, आपकी प्रायोरिटी अलग है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। उनकी प्रायोरिटी सोना है, आपकी प्रायोरिटी सुबह का 17 अटेंड करना है। जी थैंक यू भैया। भैया बढ़िया। मैं एक कुछ बिंदु पर अटक जा रहा हूं। जैसे मानवीय परंपरा में जिम्मेदारी पूर्वक जीना, इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दें, और ये संवेदना को जो अर्थ देना होता है तो इसके लिए तो काम कर रहे हैं कि वो अर्थ सही दें, लेकिन कई बार सही नहीं दे पाते हैं, तो उससे भाव पर असर प्रभाव पड़ता है। तो इसको भैया और थोड़ा बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? ये तो कर ही रहे हैं प्रयास, ध्यान भी दे रहे हैं उस पर, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जा रहा है। हाँ देखिए, बात तो यह है कि होगा ही, वो होना भी है। जब तक बात पूरी नहीं समझ में आएगी, हमारा जीना कैसे ठीक होगा? बिना संपूर्णता को समझे, अगर हमको संपूर्णता में सही जीना हो गया तो समझने की जरूरत ही क्या है? इसको हम स्वीकारते हुए चले, है ना। ये तो अच्छी बात है कि आपके अंदर एक मतलब इस बात की पीड़ा भी हो रही है कि जीना ठीक नहीं हो रहा पूरी तरह से। वो आपको गति देगा, प्रेरणा देगा, ये जी तो अच्छी बात है ना। परंतु ये जो हमने आशा लगा ली है, इस पे पहले भी बात हुई कि चीजें ठीक हो जाए, एकदम से ठीक हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। चिंतन में जब तक काम नहीं होगा, बोध में जब तक काम नहीं होगा, ये चूक, ये गलतियां तो बनी रहेंगी भाव में, विचार में, और वही निर्वाह में जाएगा। भैया क्या केंद्र में, जीने के केंद्र में B1 ब्लॉक को रखना है कि जो अलग-अलग इसके कंटेंट है उस पर ध्यान देना है? सब पे ध्यान देना है। ब्लॉक B1 में भी जो चीज दिखेगा वो कंटेंट ही है, तो जो अच्छा प्रस्ताव जा रहा है उस पर भी ध्यान देंगे और उसको स्वयं में देखेंगे। देखिए, स्वयं में देखने का मतलब ये चिंतन बोध अनुभव को जागृत करना है, तो अच्छा स्वयं में देखेंगे। अभी यही एक बात, मैं और शरीर इसको देखेंगे, भाव इसको देखेंगे, अपने संस्कार इसको देखेंगे, ये सब नोट करते चलें फिर, है ना। जैसे अभी आप जो जी चीजें शेयर करें सो नोट करें कि मेरा जी संस्कार इस नोट प्रकार है। जी जी भैया नोट किए जा रहा हूँ सर। हाँ, कि इन बातों से मैं परेशान होता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, आराम में मैं इन बातों से रहता हूँ, जब आराम में होता हूँ तो ऐसी हरकतें करता हूँ, इन सबको नोट करते चलें, है ना। अपने ऊपर PhD करना है कि मैं कब जी परेशान होता हूँ। तो जी जी भैया हम लोग है ना डॉक्टरेट तो ले लिए, मान लीजिए बाहर की एक किसी भौतिक रासायनिक चीज पे अध्ययन करके, बट अभी अपने ऊपर अध्ययन करना, अपने ऊपर PhD करना है। जी भैया वो तो PhD अब लगता है कि इसके सामने कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, और क्या, जी बाहर में तो 3 साल 4 साल 5 साल में हो जाता है PhD, इसमें तो जी शल यात्रा लग जाती है। बट तो अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी बन जाए, है ना, हम ध्यान समेट जी कर स्वयं पे दे पाए, जो पहले भी बात हुई कि अपनी शक्तियों का अंतर नियोजन कर पाए। भैया मानवीय परंपरा में जिम्मेवारी पूर्वक जीना, इसको थोड़ा सा एक बार और स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, हम अब कोई भी शरीर से गतिविधि करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, जो निर्वाह करते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो क्या उसकी परंपरा हो सकती है, क्या हर व्यक्ति ऐसा करे, है ना। इसकी परंपरा हो सकती है, भाव में कम से कम परंपरा हो सकती है क्या, विचार में परंपरा हो सकती है क्या, और शरीर से जो निर्वाह कर रहे हैं उस देश काल परिस्थिति में, उस परंपरा से जुड़ती है क्या। तो कल जैसे हमने उदाहरण लिया था एक टॉयलेट क्लीन करने का, तो उसको देख पाते हैं कि हाँ, अगर मैं टॉयलेट क्लीन करने को अपमानजनक मानता हूँ तो इससे क्या परंपरा बनेगी, और टॉयलेट क्लीन करने को अगर अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ तो इससे क्या परंपरा बनेगी, है ना। पुरुष हूँ, घर में अगर भोजन बनाने को मैं अपमानजनक मानता हूँ तो उससे क्या परंपरा बनेगी, नहीं मानता हूँ तो क्या परंपरा बनेगी। तो मैं अपने आप में किसी भी कार्यक्रम को जब तय करने जाता हूँ तो उस परंपरा तक जोड़ के देखता हूँ,
एक तो मैं स्वयं में देखता हूँ मेरी सह स्वीकृति क्या है, और दूसरा जीने में देखता हूँ मैं कि है ना मानवीय परंपरा तक जुड़ता है कि नहीं। ये दो छोर हैं, एक छोर पे स्वयं में अनुभव है, स्वयं में सस्तित्व को देख पाना, दूसरे छोर पर सस्तित्व पूर्वक जीते हुए मानवीय परंपरा तक भागीदारी कर पाना। इन दो छोरों पे जितना ध्यान हमारा टिका रहता है उतना उतना हमारा जीना सटीक होता है, हमारी गति भी बनती है, फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, डाइवर्जेंस कम होते हैं। जी भैया कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में, अभी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अभ्यास दो में अब तक हमने देखा, अगर स्टेप 1-6 को रिकैप करें, ये देखा कि मैं हूं, मेरा शरीर है, और शरीर का होने का पता मुझे संवेदना से चलता है। मेरे और शरीर के बीच केवल सूचना का आदान प्रदान होता है, या तो मैं शरीर को संकेत देता हूं या शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ता हूं। ये भी देखा कि मुझ में और संवेदना में दूरी है, और मैं संवेदना से दूर रहते हुए शरीर किसी भाग में होने वाली संवेदना को पढ़ सकता हूं। यह आदान प्रदान सामयिक है, निरंतर नहीं है, आवश्यकता अनुसार है, मैं आवश्यकता अनुसार आदान प्रदान करता हूं, और मेरे और शरीर के बीच दूरी है। इस बात को हम लोग अभी देखने का प्रयास किए, काफी से विश्लेषण किए, ऑब्जर्व करने का प्रयास किए, असाइनमेंट लिए, इस बात को देखने के लिए मेरे शरीर की दूरी है। अब आगे हम स्टेप 7 में कुछ और चीजों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो मेरा होना, शरीर का होना शून्य में, शून्य के अस्तित्व में किस प्रकार है, इसको देखने की बात है। इसको देखने के लिए जो अपने को तो और तैयारी चाहिए, उसको हम लोग करते चले, है ना। तो मैं शून्य में हूं, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूं। शून्य किसे कह रहे हैं? व्यापक को, जो हर जगह व्याप्त है, इकाई के बाहर भी है, भीतर भी है ना। वह क्रिया शून्य है, वहां कोई क्रिया नहीं है, परंतु उसका अस्तित्व है। तो मैं शून्य में हूं, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूं। शरीर भी शून्य में है, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है। मैं शून्य के माध्यम से शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ, आवश्यकता अनुसार अपने निर्णय पूर्वक। मैं शून्य के माध्यम से शरीर को संकेत देता हूँ। मैं शून्य के माध्यम से शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता हूँ। ये जो आदान प्रदान हो रहा है मेरा शरीर के साथ, ये शून्य के माध्यम से हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि आदान प्रदान तो हो रहा है, मैं संकेत देता हूँ, सूचनाओं को पढ़ता हूँ, संवेदना को पढ़ता हूँ। अब मेरे शरीर की दूरी भी है, तो ये शून्य के माध्यम से हो रहा है, ये देखना है मुझे, और मैं इसे सीधे सीधे देखता हूं। मैं निर्णय पूर्वक शरीर के साथ समय समय पर निर्वाह करता हूं। मेरा होना शरीर पर आश्रित नहीं है, संवेदनाओं पर आश्रित नहीं है, किसी बाह्य वस्तु पर आश्रित नहीं है। मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है। मैं शून्य के अस्तित्व में हूं, किसी अन्य इकाई पर आश्रित नहीं हूं। मैं सबसे संबंधित हूं, मैं सबके प्रति जिम्मेदार हूं। इससे मुख्य बात तो यह है कि मैं अपने आप को शून्य में देख पाऊं। जी, इस बात को अपने आप में देखें कि मैं शून्य में हूं, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूं। इसको हम अभी और थोड़ी तैयारी करें अपने आप में देखने के लिए। इसमें मेरा और शरीर की बीच दूरी का होना और उस दूरी को देख पाना, यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। फिर दूरी को देखते हुए अपने से हर इकाई की दूरी को हम देख पाते हैं। फिर आगे जो बात है कि शून्य के माध्यम से संबंधित हूँ, सबके प्रति जिम्मेदार हूँ, है ना, इन सब बातों को भी हम देख पाते हैं, परंतु उसके लिए और थोड़ी तैयारी की जरूरत है। इसमें भैया इसी स्लाइड से ही संबंधित करके इसको देख सकते हैं कि हमारा सभी से संबंध प्रेम का और करुणा का है। तो ऐसे में एक तो ये प्रश्न उठता है कि अगर हमारा कार्य कर्तव्य इस प्रकार का है, जो जिसके साथ हमें निर्वाह करना है उसके साथ करुणा संभव नहीं हो पाती है, जैसे एक जज को चोर के संग या मर्डरर के संग फांसी देना है, तो वो करुणा या प्रेम का संबंध कैसे होगा? एक पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्थाय, और ये भी कहते हैं ना कि विनाशाय च दुष्कृतान, है ना। तो ये दो तीन शब्द उसमें ऐसे आते हैं ना कि साधुओं की, यानी जो राइट अंडरस्टैंडिंग वाले हैं उनकी मदद के लिए, और जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग वाले हैं उनके विनाश के लिए मैं धरती पर जन्म लेता हूँ। तो इसमें जैसे पूरी की पूरी जो व्यवस्था गीता में कही गई है ना कि धर्म महत्वपूर्ण है, और जिसकी तरफ धर्म है उधर ही विजय है और वही कार्य करने योग्य है। धर्म अर्थात राइट अंडरस्टैंडिंग के रूप में इस UHV के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं। तो अगर कहीं पर धर्म की स्थापना बिल्कुल असंभव है तो क्या उसका विनाश करना भी धर्म नहीं है? यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है उस संबंध के निर्वाह में? ये भी प्रश्न आता है भैया, तो इस पर थोड़ा सा बताएं। जी, तो उसमें देखिए एक मुख्य बात जो कही गई ना कि मानव शरीर नहीं है, और उसमें एक शब्द आत्मा का प्रयोग हुआ है सेल्फ को डिनोट करने के लिए। तो उसमें ये बात हो रही कि आप शरीर को मार रहे हो, सेल्फ तो बना हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति बन जाए कि वह मानवीयता की ओर बिल्कुल प्रवृत्त है ना, समझाने के 10 प्रयास हो गए परंतु नहीं ध्यान दे रहा, अमानवीयता फैला रहा है और पूरे समाज को क्षति पहुंचा रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए हम कुछ मेजर्स तो लेंगे ही ताकि उस व्यक्ति के द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था को हम नियंत्रित कर पाए। तो जैसे अगर अभी के सिस्टम में देखें तो उस समय था कि राज्य थे, युद्ध के द्वारा बहुत सारी चीजों के लिए नियम बने हुए थे, युद्ध से निर्णय होते थे। अभी जो कानून व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसे अमानवीयता करता है हम उसको समाज से अलग कर देते हैं, उसको जेल में रख देते हैं। यदि उसमें भी लगता है कि समाज में सही मैसेज नहीं जा रहा, लोग इसको इससे समाज में अपराध नहीं रुक रहा, इससे ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा, तो फिर हम उसे फांसी पे भी लटकाते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रहता है कि मैं तो निरंतर है ना, फांसी पर लटकाने से भी जो क्षति हो रही है वो शरीर की हो रही है। तो इस बात को हम अपने आप में स्पष्ट रहते हैं इस बात को लेकर, और ऐसे निर्णय कभी कभी लेने पड़ सकते हैं। जैसे अगर युद्ध हो रहा है ना, दूसरा देश है वो आक्रमण कर रहा है, वो अपने देश की सीमा में घुसा रहा है, और यहाँ आने के बाद संभावना यही है कि वो हमारे साथ मित्रवत मैत्रीपूर्वक तो नहीं जिएगा, हमारे ऊपर शोषण करेगा, शासन करेगा, हमारे समाज में अव्यवस्था फैलाएगा, तो उसको रोकते हैं। उसको रोकने के क्रम में गोली बंदूक भी चलते हैं, शरीर भी मरते हैं, तो आवश्यकता होती है तो वो भी करते हैं। तो अगर ऐसा लगे कि यही एक विकल्प बचा है तो करते हैं। इसमें हम अपने आप में इस बात से आराम में रहते हैं कि अल्टीमेटली निर्णय तो मैं का हो है, और मैं तो बना हुआ है, शरीर मरा, और उस शरीर के बने रहते हुए उस व्यक्ति के आचरण को निश्चित करना संभव नहीं था। एक पॉइंट पे जाकर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वहां पे भी आप देखें तो महाभारत में कृष्ण ने दुर्योधन को, कौरवों को समझाने का हर तरह से प्रयास किया। उसके पहले भी आप देखें तो जब उनको लगा कि मथुरा पे बार बार आक्रमण हो रहा है, तो वहां से उठकर है ना शिफ्ट हो गए थे ना, क्या जी, द्वारिका शिफ्ट हो गए थे। हाँ, तुरंत तो हर समय युद्ध को टालने का प्रयास किया, और कई बार ये कहा कि युद्ध आखिरी विकल्प है उनके लिए, उनको रणछोड़ भी कहा गया ना, उपहास भी किया गया। अगर स्वयं से देखे तो उन्होंने बहुत ही कम लोगों के शरीर का नाश किया, तो युद्ध को पूरे समय टालते रहे। परंतु ऐसा जब लगा कि है ना, दुर्योधन कह रहा है कि सुई की नोक भर भी जमीन नहीं देंगे, इस पे भी अगर सहमत हो जाते तो क्या आगे का कार्यक्रम बनता, उसका आकलन किया गया कि इससे तो पूरी अव्यवस्था फैलेगी, फिर तो अमानवीयता और फैलेगी। फिर तो जो व्यक्ति व्यवस्था के अर्थ में विचार कर रहा है उसको ऐसा लगेगा कि ये व्यर्थ है ना, तो फिर वहां पे एक निर्णय लिया गया। ये निर्णय हम आज भी लेते हैं। आज भी अगर हमारे देश में कोई बाहर का देश आक्रमण करे, अंदर आने का प्रयास करे, अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे, तो हम युद्ध का निर्णय लेते हैं, लिया ही है। परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम समय रहते मानवीय शिक्षा के लिए काम करें, ठीक, तो हम संबंध पूर्वक जी सकते हैं। उसमें फिर ये घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी है धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अभी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि लोग अमानवीयता से जी रहे हैं, मानवीयता स्पष्ट नहीं है।
अभी आप देखें तो वर्ल्ड ओवर लोगों में इस बात की समझ नहीं है, इसमें कॉमन ओपिनियन भी नहीं है कि सुख क्या है ना। पूरे साइंस में इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि मैं भी होता है, शरीर सामयिक है ये तो क्लैरिटी है, बट मैं भी होता है ये क्लैरिटी नहीं है। तो जो बेसिक फॉर्मुलेशन है उसी में अभी कमी है। तो हम शिक्षा विधि द्वारा ऐसे है ना, ऐसी स्पष्टता के लिए काम करेंगे ताकि वर्ल्ड ओवर लोगों में क्लैरिटी बने, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ और बॉडी की क्लैरिटी बने, ट्रस्ट की क्लैरिटी बने कि हर आदमी इनेटली दूसरे को सुखी करना चाहता है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो युद्ध की संभावना घटेगी, अमानवीयता घटेगी, समाज का पोषण होगा, समाज के दोहन की शोषण की संभावना घटेगी। इसलिए अभी तो मानवीय शिक्षा के लिए काम हो रहा है और घट भी रही है। अगर आप देखें हम में से जितने साथी अभी सुबह के सत्र में जुड़े हुए, हम सब एक भी अपने अंदर रिएक्शन आता है तो उसको इतनी पीड़ा से व्यक्त करते हैं, है ना, कि रिएक्शन हो जा रहा है, अभी भी रिएक्शन हो रहा है, अभी भी इरिटेशन हो रहा है, अभी भी क्रोध आ रहा है, अभी जितना शेयरिंग हुआ उसमें निकल कर आया। तो हम अपने ऊपर सिंसियरली जब काम करते हैं तो इसकी संभावना घटती है। कम से कम हमारे एंड पे तो अमानवीयता नहीं फैलेगी, अमानवीयता की शुरुआत यहां से नहीं होगी। तो यही काम पूरे समाज के साथ हो जाए, है ना, शिक्षा विधि द्वारा, उसी लिए तो सारा प्रयास हो रहा है। अभी जो मुख्य फसावट है, मनुष्य ने सुविधा को सुख मान लिया है, अपने आप को शरीर मान लिया है, ठीक, दूसरों पर शासन करने का, दूसरों को शोषण करने का ही सफलता मान लिया है। अब ये प्री कंडीशनिंग्स हैं जिसका इवैल्यूएशन जरूरी है। जब अपने को समझ में आता है तो उनके ऊपर हमको कोई क्रोध नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा, क्योंकि हमको उनकी समस्या दिखाई दे रही है। और साथ में हम प्रोएक्टिवली कार्यक्रम भी बनाएंगे कि कैसे उनकी मान्यताएं मूल्यांकित हो, कैसे उनके अंदर सही भाव स्थापित हो। अभी तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है समाज में जिस तरह की शिक्षा जा रही है, आदमी ने सुविधा को सुख मान लिया है, इसी को प्रोग्रेस मान रहे हैं। अधिक से अधिक सुविधा अर्जित कर लेना, है ना, अधिक से अधिक पद अर्जित कर लेना, दूसरों का शासन कर लेना, शोषण कर लेना, इसलिए उसमें फंसा हुआ आदमी। संबंध पूर्वक जीना, व्यवस्था पूर्वक जीना, मानवीय परंपरा तक जिम्मेदार होना, इसको नहीं देख पा रहे हैं। वो काम अपने को करना है। जी भैया, बहुत सुंदर आपने व्याख्या किया। एक प्रश्न और उठता है भैया, फिर बार बार वहीं पे हम पहुंच जाते हैं पहले ही लेक्चर पर, कि जैसे हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं वैसे ही अगला भी हमें सुखी करना चाहता है। अर्थात आपने अभी बताया ना कि दुर्योधन को बार बार समझाने पर भी वो नहीं माना और वो दूसरे को दुखी करने में ही लगा रहा। तो जैसा कि गीता में भी बार बार यही कहते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, जिसके अंदर तम का अधिक है वो कभी भी सही राइट अंडरस्टैंडिंग पे आ ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ ऐसे लोग हैं नहीं क्या कि जो कभी सही समझ पर आएंगे ही नहीं, ये हम जो बैठे हुए हैं जुड़े हुए हैं एक साथ, ये सब सत्वगुणी वाले या रजोगुणी वाले लोग हैं जो शायद ऐसी अंडरस्टैंडिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन तमोगुणी वाला अगर कोई व्यक्ति चाहे परिवार में है, चाहे कार्यस्थल पे है, चाहे समाज में है, उस पर काम करने से बचे ही वही एकमात्र उपाय है, वो सुधरेगा नहीं। और जैसा आपने भी कहा है बार बार कि उससे कम से कम संबंध रखें, तो वहां संबंध का निर्वाह मुझे लगता है कठिन भी होगा और करना भी नहीं चाहिए। जी भैया, मैं सुधार करूं, मैं कम से कम संबंध रखें ऐसा नहीं कहा, संबंध का भाव बना रहेगा है ना, और निर्वाह उसकी योग्यता के आधार पर करेंगे, ये बात हुई है। जी तो जी जैसे आपने कहा, हाँ जी जी जी, जैसे हुआ ना कि 7-8 अरब लोग बाहर हैं, जो घर में 3-4 हैं उन्हीं पर क्यों ज्यादा फोकस करना, ऐसा शायद मुझे कुछ समझ में आया। जी जी, ठीक बात है। तो उनके साथ उनको संबंधित करने के लिए समय लगाते हैं, लेकिन इसमें 3-4 बातें हैं। अगर इस पूरी क्रम को देखें तो महाभारत में एक कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है, इसमें कृष्ण जब समझा रहे हैं तो दुर्योधन कहता है कि मुझे पता है धर्म क्या है, परंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मुझे पता है कि अधर्म क्या है, बट अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। तो अपने आप को हेल्पलेस बता रहा है वो। जी भैया जी, है ना, तो वहां पे भी दिखता है कि इंटेंशन साउंड है उसका, बट कंडीशनिंग बहुत डीप है। उसका कुछ उपचार किया गया, शरीर हटा दिया गया उसे, है ना। जी जी, तो शरीर के साथ के संबंध का निर्वाह नहीं हो पाया। जी जी, इंटेंशन उसका साउंड है। दूसरी तरफ से देखें अगर आप पूरे क्रम को, तो मतलब जो दुर्योधन कर रहा है वो तो उसकी एक कड़ी है, नहीं तो अन्याय तो वहीं से शुरू हो गया, 3 पीढ़ी पहले से ही अन्याय शुरू हो गया था। जी जी, और अन्याय चलता जा रहा था, और गलती तो पांडवों से भी हुई,
जिस तरह के उन्होंने निर्णय लिए द्यूत क्रिया में शामिल होने का, द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का अपमान करने का, है ना, या समय समय पर ध्यान आकर्षण न कराते हुए उसको, है ना, अंडरमाइन कर देने का, ये सब ये नहीं करते, है ना। उसमें भी आप देखिए तो बहुत सारा आपको और चीज दिखाई देगा, जैसे एक तो कई पत्नियां रखना, है ना, ये उस समय प्रचलन में था, अब उसके कारण कठिनाइयां उत्पन्न हुई है। तो अब हमको जब पूरी समझ बनती है, उस पूरी समझ के साथ हम अब मानवतापूर्ण आचरण को देख पाते हैं कि मानवतापूर्ण आचरण क्या होगा, उसके साथ हम योजना कार्यक्रम बना पाते हैं, तो उसको और ठीक से एनालाइज करेंगे तो अपने को दिखता है कि कहाँ कहाँ चूक हुई है ना। शकुनी के बारे में बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, उसके अंदर इतना विरोध का भाव क्यों था, तो ये दिखाई देगा कि पूरी समझ के साथ तो पांडव भी नहीं जी रहे थे और कौरव भी नहीं जी रहे थे, परंतु अन्याय इस तरह से बढ़ गया था कि एक पॉइंट पर युद्ध का निर्णय लेना पड़ा, उसको फिर लिया गया। अब आगे कार्यक्रम यह बनता है कि हम पूरी समझ के साथ जीना शुरू करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी जो भी हम अपने में देख पा रहे हैं, तो अब व्यक्ति के कुछ सामने वाले के सूत्र समझ में आने लगे। अगर हम धैर्य पूर्वक देखें, जैसे अभी ये महाभारत पर भी चल रही थी, तो अगर बहुत गहरे से देखें तो मानव चूंकि सभी सुखी होना चाहते हैं, और इस पॉइंट को अगर हम बहुत गहराई से पकड़ पाते हैं, तो शायद हम जिसे अज्ञानी कह रहे हैं या जिसे धूर्त कह रहे हैं या हमारे द्वारा दिए गए नाम है, वो भी सुखी चाहता है। तो अगर हम, जैसे मैं अपने पर ही देखूं, अगर पहले कई लोगों को मैंने खुद में ही रिजेक्ट कर रखा था कि ये तो कभी सुधर ही नहीं सकते, लेकिन अब जब लौट के मैं उनमें जा रहा हूं, तो मैं पाता हूं कि मेरे में कुछ काम हुआ है, इसलिए मैं सामने वाले में संबंध देख पा रहा हूं। तो जब मैं सामने वाले में संबंध देख पा रहा हूं, तो उनको कुछ सुख का भास हो रहा है, इसलिए वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया हम देते हैं या भेद खड़ा करते हैं, तो वो जो अभी गलत मानसिकता का व्यक्ति है उसको और बल मिलता है। जेल में भी मैं देखता हूं कि वहां हर मानसिकता के लोग, लेकिन सुख की जगह पर सभी सहमत ही होते हैं, कोई भी व्यक्ति असहमत होता नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दंड पर जितना हमने फोकस किया, युद्ध पर जितना हमने फोकस किया, शायद हम खुद भी उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए जहां से हम सभी को प्रेम बांट पाते, सभी में करुणा देख पाते, सभी में दया देख पाते। ये भाव शायद इस पे हम अपना काम नहीं कर पाए, और आधा अधूरा लेकर के कहीं ना कहीं हम विरोध को ही अपने में जस्टिफाई करते रहे, और ये भी हम कहीं ना कहीं सिद्ध करते रहे कि अब मैं तो ठीक हो गया हूं, मैं तो देवता हूं, दूसरा राक्षस है, ये भी हमने कैसे तय किया, है ना। ये सारे मापदंडों को अगर हम देखते हैं तो हम अब और सहज हो पाते हैं। मैं अपने घरों में, ये बुंदेलखंड का एरिया वैसे भी बहुत क्रिमिनल है, लेकिन उन लोगों से अब मैं इतने प्यार से जुड़ पा रहा हूँ, उनको धीरे धीरे कुछ अगर बात रखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं जिन्हें हमने क्रिमिनल कहा है उनमें ये बात ज्यादा जा रही है, जो लोग पॉलिश्ड हैं उनमें कम जा रही है। तो कई मेरी मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर आया है। अब मैं किसी बात को बहुत आसानी से, अभी लोग मेरे यहाँ आते थे, बगीचे में आएंगे तुरंत फल तोड़ने लगेंगे, फूल तोड़ने लगेंगे, धीरे धीरे मैं उन्हें ये समझाने में सफल हो रहा हूँ कि भैया फूल फल सिर्फ तोड़ने भर का विषय नहीं है, बल्कि पूरे पौधे की उपयोगिता को, पूरे पौधे के संबंध को देख पाने की जरूरत है। तो धीरे धीरे जब ये बात मैं ले जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, काम हो रहा है इस विषय में। संबंधों में भी अभी ये था कि भाई कोई ना कोई व्यक्ति आया, उसने अपनी कोई कहानी शुरू कर दी और लोग भी उस कहानी से प्रभावित हो गए,
और जो जागृति के लिए या जो सही समझ के लिए बातचीत चल रही थी वो डाइवर्ट हो गई। तो अब उन सारी घटनाओं पर भी ध्यान जाने लगा है कि भाई हम एक दूसरे में संबंध देखने के लिए, भाव के लिए काम कर रहे हैं या कि हम कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। तो जब वो अपने में दिखने लगा है तो धीरे धीरे अपन दूसरे में भी देख पा रहे हैं। तो अभी परिवार सभा में भी मैं कई पॉजिटिव चीजें देख रहा हूँ और हर व्यक्ति पति पत्नी बच्चे लेके आने लगे लोग, और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये बात तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। अभी कल परसों पन्ना में एक घटना हुई हमारे यहाँ छतरपुर जैसे से लगा हुआ जिला, जिसमें पति ने पत्नी को गोली मार दी और उसने एक चिट्ठी लिखी है और उसमें सिर्फ धन के अलावा उसने कोई बात नहीं लिखी। सेठ व्यक्ति था वो, इतने की 1 करोड़ की लड़की की शादी कर देना, इसके पास इतनी उधारी डली है, इसके पास इतनी उधारी डली है, इससे ले लेना, उससे दे देना, मुझे माफ करना, अब मैं पत्नी को मानने जा रहा हूँ। उसने एक वीडियो बनाया है पूरा। तो उससे ये आता है कि कहीं ना कहीं हमने पैसे को बहुत महत्वपूर्ण माना जी। तो जो ये मान्यताएं हैं, इन मान्यताएं जैसे जैसे मेरी मान्यताएं गिरेगी, मैं सभी में संबंध देख पाऊंगा। भैया मैं ये बात करता हूँ जी। जी ठीक बात है। देखिए अभी हम अपने ऊपर काम करें, है ना, बहुत सारा स्कोप है अपने ऊपर काम करने का, और ये अपने को दिखता है कि हर व्यक्ति का इंटेंशन साउंड है, पोटेंशियल हर व्यक्ति में है जो भैया अभी शेयर कर रहे हैं, परंतु कंडीशनिंग्स गलत हो जाती हैं, कंडीशनिंग डीप हो जाती हैं, उस पे ही तो काम करिए, संस्कारों पे ही काम करना मुख्य बात है। जी बढ़िया है, हम इसके रिलीवेंस को देख पा रहे हैं, जो अतीत में घटनाएं हुई हैं उसके साथ जोड़कर भी देख पा रहे हैं और आगे जो जिम्मेदारी है उसको भी देख पा रहे हैं, इसको हम करते चले। स्टेप 7 पे थोड़ी और बारीकी चाहिए देखने की, स्टेप 7 पे और बारीकी चाहिए देखने की, और हम लोग इसको और तैयारी करें, आज दिन में थोड़ा इसके लिए प्रयास करें कि हम शून्य को देख पाए। खैर उस अर्थ में ये तो अभ्यास कर ही सकते हैं कि मैं और शरीर की दूरी को और स्पष्ट रूप से देखें और देखें कि मैं शून्य के माध्यम से जुड़ा हुआ, फिर उसके आगे और चर्चा करेंगे। बढ़िया, अच्छी चर्चा रही, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आज चर्चा यहाँ रोक लेते हैं।